ये एक स्कूल होता है जिसमें सभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये कोई आम बच्चे नहीं होते, ये सारे के सारे बच्चे भूत होते हैं, सिवाय इस लड़की को छोड़कर। इनमें से एक भूत अपनी जुबान निकालता है और टीचर के पास ले जा रहा होता है। जैसे ही वो जुबान टीचर के पास पहुंच जाती है तो टीचर पीछे मुड़कर देखती है तो उसे लगता है कि सारी क्लास शांत बैठी है। इसके बाद ये टीचर बच्चे को बहुत बुरी तरीके से घूर कर देख रही होती है। तब टीचर को भी शक हो जाता है कि कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पर। फिर टीचर को लगता है सब कुछ सही है और वापस पढ़ाने लगती है। जैसे टीचर पढ़ा रही होती है सारे के सारे भूत निकलकर उस पर अटैक करने वाले होते हैं। जैसे वो टीचर पर अटैक कर रहे होते हैं तभी वो टीचर पीछे मुड़कर देखती है और उसे सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है। लेकिन तभी वो छोटी बच्ची जो इंसान होती है उस टीचर को भागने के लिए कहती है। अब वो टीचर समझ गया होता है कि कुछ तो गलत हो रहा है और वहां से भाग जाती है। भागने के बाद वो जैसे ही स्कूल के गेट पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि यहां पर ताला लगा हुआ है और उसके बाद अपनी घड़ी देखती है तो उसे पता चलता है कि 5 बज चुके हैं और अब ये स्कूल बंद हो चुका है।